दोस्तों पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस है गुजरात टाइटंस को, उनके युवा कप्तान शुभमन गिल हमारे प्रिंस इंडिया के, और सभी गुजरात टाइटंस के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने जीत दर्ज की है एक ऐसी टीम के खिलाफ जिस टीम में वो कप्तानी कर रहा है जो दो साल जब से फ्रेंचाइज बनी है गुजरात टाइटंस का कप्तान था हार्दिक पांड्या, और सभी ने देखा किस तरीके से बीच मझधार में गुजरात को छोड़ के और अंबानी की गोदी में जा बैठे हार्दिक पांड्या पहुंच गए मुंबई इंडियंस में। हमारे हिटमैन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर बहुत खुश हो रहे थे, वो बहुत खुशी थी उनको। पिछले चार महीने से सभी इंडियन फैंस क्रिकेट फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं और मुंबई इंडियंस को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस की समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, और आज प्रूफ हो गया, स्क्रीन पर आप सभी के सामने आ गया आज का मुकाबला जो कि गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया। भाई 168 रन बनाए थे गुजरात ने, जो कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था क्योंकि मुंबई की टीम जो इतने दिनों से जब से आईपीएल की टीमें चुनी गई हैं सिलेक्ट हुई हैं हर कोई बोल रहा है मुंबई की टीम आग लगा देगी, इतनी जबरदस्त टीम है, मुकाबले में कोई टीम है ही नहीं उसके। और भाई गुजरात की टीम को तो सब कह रहे थे शमी चले गए हार्दिक चले गए बहुत कमजोर टीम नजर आ रही है, तो कोई मुकाबला ही कंपैरिजन में नहीं हो रहा था। उसके बावजूद एक छोटा टोटल बनाया और जहां पर ड्यू का फैक्टर था ओस आई हुई थी, ऐसी सिचुएशन में इतनी जबरदस्त गेंदबाजी, और गेंदबाजी की किसने, राशिद खान, और भाई मोहित शर्मा जबरदस्त गेंदबाजी, उमेश यादव जो कि वापसी कर रहे हैं, बताओ एक से एक जबरदस्त मैच विनर फिर से निकल के आ रहा है गुजरात टाइटंस की खेमे में, कुछ ऐसा है जो मैच विनर्स बनाता है। और जो छोड़ के चले गए थे बीच मझधार में उनको भाई आखिर ओवर में 19 रन बनाने थे, वो अपने आप को दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर मानते हैं, इतना एटीट्यूड है उनके अंदर जब से उन्हें इंडिया की कप्तानी मिली थी और उसके बाद गुजरात की कप्तानी में उन्होंने टाइटल जितवाया, इतना एटीट्यूड है उस बंदे के अंदर, वो साफ दिखाई देता है। रोहित शर्मा के सामने भी वो एटीट्यूड उन्होंने दिखाया, सोशल मीडिया पर दिखाया। और एक और जो उनका चेला बना हुआ है ईशान किशन जो उनकी गोद में जा बैठा पूरी टीम इंडिया को छोड़कर रोहित शर्मा को छोड़कर, वो खुद जीरो पे चल पड़ा पहले ही ओवर में, उसके बाद में आप देखिए कि क्या हुआ। हार्दिक पांड्या 19 रन चाहिए थे, आप दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर हो तो बनाओ ना 19 रन, आईपीएल का मैच है, सामने उमेश यादव है जो रिटायरमेंट पर खड़े हुए हैं और ओस पड़ी हुई है उस स्टेडियम में जो कि आपका होम ग्राउंड है, आप वहां पे इतना क्रिकेट खेले 19 रन बनाओ, नहीं बना पाए। बीच मझधार में बॉल खड़ी करके कैच आउट हो गए चले गए, हरवा दिया मुंबई की टीम को, इतनी ट्रोलिंग हो रही थी ना, 60,000 लोग आज आए थे स्टेडियम में मैच देखने के लिए, वो चिल्ला रहे थे हूटिंग कर रहे थे और वो साफ देखा जाता है, और पूरा इंडिया यार पूरा हिंदुस्तान हूटिंग कर रहा है, सब बोल रहे हैं पिछले चार महीने से जब से सिलेक्शन हुआ है ना तो हार्दिक पांड्या को कोई शर्म आ रही है ना मुंबई इंडियंस कैंप्स को कोई शर्म आ रही है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आज नतीजा देख लिया, और इतनी स्ट्रॉन्ग है मुंबई इंडियंस की टीम और जो टीम के मैन खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस आया इस मैच में। जसप्रीत बुमराह 14 रन देकर 3 विकेट कोई खेल ही नहीं पा रहा था 4 ओवर्स में, रोहित शर्मा 40 प्लस स्कोर किया, वही थे जिन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन जो इतने एटीट्यूड में इतने दिनों से चल रहे थे ग्रुप बना के चल रहे थे उनका क्या हुआ आप देखिए, एक जीरो पे चला गया, दूसरा बीच मझधार में लास्ट में 19 रन बना के फिनिश करना था वहां पे कैच खड़ी करके और आउट होके चला गया। तो भाई ये होता है क्रिकेट, आप खेलते हो तो आप अच्छा क्रिकेट खेल के आगे बढ़ोगे तो ही आप बड़े खिलाड़ी हो, आप अपने एटीट्यूड से या आप किसी की गोदी में बैठ के आपको कप्तानी मिल जाएगी उससे आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो मैं तो बड़ा खुश हूं और आज उस डिसीजन से भी बहुत खुश हूं जहां पे कुछ लोग कह रहे थे नहीं T20 में कप्तानी हार्दिक पांड्या को ही करनी चाहिए, मैं शुरू से सपोर्ट कर रहा था। हम स्पोर्ट्स टॉक क्रिकेट पर आप जाके देखिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे यूट्यूब पर भी हम शुरुआत से कह रहे थे कि कप्तानी रोहित शर्मा को ही मिलनी चाहिए मुंबई की भी और इंडियन क्रिकेट टीम की भी, हार्दिक पांड्या को नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो लोग कह रहे थे युवा कप्तान चाहिए हार्दिक चाहिए तो भाई आज सामने आ गया युवा कप्तान मुंबई ने लेके आए हार्दिक पांड्या और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हार गई एक सबसे कमजोर टीम से जो कि अभी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो सबसे कमजोर नजर आ रही थी गुजरात टाइटन। तो ये होता है नतीजा, आप एटीट्यूड में रहोगे तो इसी तरीके से मुकाबले हरवाओगे, आप मैच विनर कभी भी नहीं बन सकते। और मैं तो भाई अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि हार्दिक पांड्या बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है ये है वो है तो प्लीज कमेंट्स में 2-3 मैच ऐसे लिख के भेज देना जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जिताए हो अपनी बल्लेबाजी के दम पर, जहां पूरी टीम का कोई और परफॉर्म नहीं कर पाया हार्दिक ने अकेले अपने दम पर,
मैच जिता के दिए, कोई भी मुझे बता दे। और उनका कंपैरिजन अगर कोई रोहित शर्मा से करना चाहता है तो मैं आपको बताता हूं, रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे वर्ल्ड कप में, 5 शतक जो आज तक कोई नहीं लगा पाया। रोहित शर्मा के नाम 3 दोहरे शतक है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनके नाम 5 शतक है T20 इंटरनेशनल में, जो कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। तो भाई रोहित शर्मा की बराबरी हार्दिक कभी भी नहीं कर सकता। और उनका एटीट्यूड, एटीट्यूड वाले के मुंह पे ऐसे ही तमाचा लगता है, परफॉर्मेंस करो आगे बढ़ो, और एटीट्यूड में रहोगे तो ना परफॉर्मेंस आएगी, टीम का भी बेड़ा गरक। और भाई T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का बेड़ा गरक मत करवा देना। तो इसीलिए हरा दिया आज मुंबई की टीम को, और इस हार का जिम्मेवार मैं तो भाई अभी भी यही मानता हूं कि हार्दिक पांड्या ही इस हार के जिम्मेवार हैं। उन्होंने टीम में आके टीम को क्लैश किया, पूरी टीम को बिखेर दिया, गुटबाजी कर दी। और ईशान किशन जो कि लगातार परफॉर्म करते थे, उनकी भी परफॉर्मेंस आज सामने आ चुकी है कि वो क्या परफॉर्मेंस करेंगे आगे भी। और जो एक गुट के हैं हार्दिक पांड्या, ईशान किशन या जो उनके साथ के हैं, उनकी किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा दोनों की परफॉर्मेंस है। हमारे सूर्या भी जब वापस सी करेंगे तो उनकी भी परफॉर्मेंस आएगी। तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से किसको सपोर्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।